आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सैबाइन सूत्र अर्थात सैबाइन फार्मूला। ये जो एक वैज्ञानिक थे इन्होंने आपके जो रिवर्बरेशन टाइम होता है मतलब अनुरणन काल उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था जिसे हम सैबाइन फार्मूला कहते हैं। और ये जो फार्मूला है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अनुरणन काल के लिए सैबाइन सूत्र का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स आज जो वीडियो आपको बताएंगे वो सब इसी के बारे में रहेगी। और इसके पहले भी हमने आपको अन्य सब्जेक्ट की वीडियो बताई, फिजिक्स की बताई, मैथ की बता दी है और आपके कुछ टेट सब्जेक्ट की भी बता दिया है। तो आप लोग सब वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। और जहाँ तक उम्मीद है आपके जो कॉलेज हैं वो अप्रैल लास्ट तक प्रारंभ हो जाए पढ़ाई आपकी, लॉकडाउन का अगर समय सीमा बढ़ा नहीं तो। ठीक, आप लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं सैबाइन फार्मूला क्या होता है, इसे किस प्रकार हम डिराइव करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा अनुरणन काल के लिए सैबाइन सूत्र क्या होता है। ये जो सैबाइन थे एक प्रोफेसर थे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, और यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भवन ध्वनिकी पर महत्वपूर्ण कार्य किया। अब यहाँ पर बात आ गई भवन ध्वनिकी, भवन ध्वनिकी क्या होती है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दें। इस पर आपको हम एक टॉपिक बताएंगे कि भवन ध्वनिकी होती क्या है, लेकिन अब यहाँ पर वर्ड जब आ गया भवन ध्वनिकी तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भवन ध्वनिकी क्या होती है। तो जो ये आपकी भवन ध्वनिकी होती है इसका मतलब ये होता है अगर आप कहीं भारी स्थान मतलब जहाँ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, जैसे आपका थिएटर हो गया, ठीक, दर्शन कक्ष और व्याख्यान कक्ष, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ध्वनि को उत्पन्न करते हैं तो उसके जो ध्वनि उत्पन्न हम करते हैं उसका कुछ गुंजन होता है या उसका कुछ प्रभाव होता है, तो उसी के बारे में हम भवन ध्वनिकी में पढ़ते हैं। तो उसको हम आप लोगों को एक टॉपिक के माध्यम से बता देंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं पहले सैबाइन का फार्मूला। तो जो सैबाइन थे उन्होंने ये बताया था कि अगर पहले उन्होंने भवन ध्वनिकी पर महत्वपूर्ण वर्णन किया, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो विभिन्न प्रकार के कक्षों से, सभागारों से या जो थिएटरों से हम लोगों ने ध्वनि उत्पन्न किया था उससे एक निष्कर्ष निकला कि अगर किसी बंद कक्ष यानी कोई बंद कमरा है उसमें हम ध्वनि उत्पन्न करें और उसका जो अनुरणन काल होता है उसे टी मान लें, अनुरणन काल टी मान लें, रिवर्बरेशन टाइम टी मान लें, तो जो उसका जो अनुरणन काल होता है अर्थात टी, अब यहाँ पर अनुरणन काल आ गया। इसकी पिछली वीडियो जो फिजिक्स की आई थी उसमें हमने आपको बताया था क्या होता है अनुरणन और क्या होता है अनुरणन काल। तो हम एक बार फिर से दोहरा देना चाह रहे हैं, जो आपका अनुरणन काल होता है वो ये होता है कि अगर हम किसी बंद कमरे में ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं और ध्वनि उसमें जितनी देर तक गूंजती है मतलब ध्वनि हमने उत्पन्न किया और तुरंत अगर बंद कर दे रहे हैं तो मान लीजिए अगर वह 5 सेकेंड तक गूंजी तो वही उसका अनुरणन काल होता है। आप लोग पिछला वीडियो देखकर आसानी से पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट से वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें हमने आपको विस्तार से बताया है। तो ये जो सैबाइन है बता रहे हैं कि जो अगर हम बंद कक्ष में ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं तो उसका जो अनुरणन काल टी होता है वह आपका जो उस कमरे का आयतन रहता है उसके समानुपाती होता है, ठीक, अर्थात टी समानुपाती कैपिटल वी, जो आपकी कैपिटल वी है वो होता है आपका आयतन। और इसमें एक सेकंड निष्कर्ष ये निकला था कि अगर उस कमरे में कोई भीतर वस्तु रखे मतलब उस कमरे में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसके अवशोषण के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसके व्युत्क्रमा अनुपाती होती है, मतलब उसमें जैसे कोई वस्तु रखी गई है और अगर हमने उसमें ध्वनि उत्पन्न कर दिया है तो जो उसका अवशोषण होता है मतलब जितनी वह ध्वनि अवशोषित अगर कर ले रही है तो उसका उससे आप लोग एक प्रकार से कह सकते हैं एरिया कह सकते हैं, तो उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। तो आपके ये दो निष्कर्ष निकले थे सैबाइन के फार्मूले से।
तो आपका फर्स्ट निष्कर्ष टी प्रोपोर्शनल कैपिटल वी एन टी इन्वर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वन अपान ए, तो ये दोनों आपके निष्कर्ष निकल गए थे। तो इन्हीं को हम अगर एक संयुक्त कर लेते हैं तो हमें सैबा इनका फार्मूला मिलता है। तो इनका जो प्रयोग हुआ था उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर ही बताया था, अगर हम किसी जो बंद कमरा रहता है उसका मानक अनुरणन काल को हम इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उसी को हम सैबाइन फार्मूला कहते हैं। तो इसको अब हम संयुक्त करके निकालते हैं सैबाइन फार्मूला। आप लोग इतना ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसे नोट भी कर सकते हैं आप लोग। इन दोनों को डायरेक्ट करने के बाद मतलब वो जो था आपका ऊपर वो निष्कर्ष आया था, ठीक। उसके बाद अब जो सैबाइन का मेन फार्मूला होता है वो होता है टी इक्वल टू 0.165 कैपिटल वी अपॉन में सिग्मा ए इंटू एस, ठीक। तो ये आपका फार्मूला होता है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ऊपर जो था वो आपका निष्कर्ष था, मतलब उन्होंने ये अपना खुद प्रैक्टिकली करके प्रयोग करके बताया था ऐसा ऐसा होता है। और लास्ट में जो फार्मूला निकल कर आता है वो आता है टी इक्वल टू 0.165 इंटू वी अपॉन सिग्मा ए इंटू एस। अब ये जब इसका जो मात्रक सब एम के एस मात्रक में ये आपका फार्मूला बनकर आया है, कैपिटल वी का एम के एस में है और ए भी एस सब हैं। अब आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि टी क्या है, एस क्या है, वी क्या है और ए क्या है। तो जो टी है आपका वह है अनुरणन कॉल, वो आप सेकेंड में मापेंगे उसे। एंड कैपिटल वी जो है वह कमरे का आयतन है, हमने अभी आपको ऊपर बताया था, जिसे आप घन मीटर मापेंगे। एंड जो एस है वह प्रवर्तक तल का क्षेत्रफल है, ठीक, उसे आप लोग वर्ग मीटर में मापते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है वो वर्ग मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्मॉल ए दिख रहा है, ये जो है यह धरातल का अवशोषण गुणांक है, मतलब जो ध्वनि है कितनी अवशोषित की गई है। तो यहाँ से आप लोगों को मिल गया। अब आपको सबका मान तो पता चल गया, वी क्या है, ए क्या है, एस क्या है, ठीक। लेकिन आपको यहाँ एक सिग्मा ए दिख रहा है, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। सिग्मा ए इंटू एस कहाँ से आया? तो सिग्मा ए इंटू एस जो होता है वह जो विभिन्न धरातलों के पदार्थों का मतलब धरातलों द्वारा कुल अवशोषित ध्वनि होती है। जैसे कमरे में अगर हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं तो एक ही जगह तो टकराएगी नहीं, बंद कमरा है तो पूरी दीवार में नीचे से ऊपर जो टकराएगी उसका यह सम होता है, ठीक। इसे आप लोग उसका योग भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया सिग्मा ए एस का मान, मतलब ये हो गया ए वन एस वन प्लस ए टू एस टू ए थ्री एस टू। अब आप लोगों को इतना पता ही होगा जहाँ सिग्मा का मान आ गया मतलब सम योग ये सब होता ही है। अब जहाँ ए वन ए टू ए एन जो है अवशोषण गुणांक है और एस वन एस टू उनके संगत क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। अभी आपको यहाँ ऊपर बताया हमने, ए हो गया, एस हो गया, वी हो गया, टी हो गया। तो फ्रेंड्स ये था आपका सैबाइन का फार्मूला, बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है। आपको ध्यान ये रखना है टी इक्वल टू क्या होता है, 0.165 इंटू कैपिटल वी अपान में सिग्मा ए इंटू एस। यहाँ पर आप लोग स्मॉल वी मत लिखिए नहीं तो वह वेग में आ जाएगा। और निष्कर्ष उसके दो निकले थे, और निष्कर्ष आपके दो निकले थे उसको भी देख लेते हैं। आपको हमने बताया भी कि अगर मान लीजिए हम किसी बंद कमरे में ध्वनि को उत्पन्न करने, एक बार फिर से देख लीजिए, उत्पन्न करते हैं तो उसका जो अनुरणन काल होता है मतलब कैपिटल टी, वह उसके सबसे पहले आयतन के समानुपाती होगा। और उसमें अगर कमरे में कोई वस्तु रखी गई है तो उसको अवशोषित करने के लिए वह उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये तो आपके निष्कर्ष निकले हैं, इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके 5 नंबर यहाँ से तुरंत मिल जाएंगे। और फिजिक्स की पिछली वीडियो में आपको हमने रिवर्बरेशन टाइम एंड रिवर्बरेशन अर्थात अनुरणन एवं अनुरणन काल के बारे में बताया था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और आगे बताएंगे।